दुनिया में 500 सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुस्लिम हस्तियों की अब लिस्ट जारी हुई है। बता दें इस लिस्ट में भारत के कई सारे दिग्गज शामिल हैं। इस लिस्ट को जॉर्डन के द रॉयल ऑल वायज इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट ने जारी किया है। बता दें रेबिक नाम से मशहूर द रॉयल ऑल ऑफ वायज इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट एक इस्लामिक एनजीओ है। इसका मुख्यालय जॉर्डन की राजधानी अम्मान की है। बता दें द मुस्लिम 500 नाम की इस लिस्ट में सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को पहला स्थान मिला है। दूसरे नंबर पर है सऊदी के धूर विरोधी देश ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु आयतुल्ला अली खामेनेई की। बता दें बड़ी बात यह है कि इस सूची में तालिबान के हिजबुल्ला जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों को भी जगह दी गई है। इस लिस्ट में तीसरा स्थान कतर के शासक शेख तसीम बिन हमाद अल थानी को मिला है। चौथे नंबर पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप को मिला है। बता दें पांचवें नंबर पर जॉर्डन के हॉसमाई साम्राज्य के राजा यरूशलेम को पवित्र स्थलों के अभिरक्षक किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्र अल हुसैन को रखा गया है। छठवें स्थान पर इस्लामी विद्वान और देवबंदी नेता न्यायमूर्ति शेख मोहम्मद तकी उस्मानी पर उनका नाम शामिल है। सातवें नंबर पर है मोरक्को के राजा किंग मोहम्मद जो है वो, और आठवें नंबर पर है यूएई की राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नौवे नंबर पर बता दें आयतुल्ला सैयद अली हुसैन अल सिस्तानी के नाम पर है। दसवां स्थान दखल किया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को मिला है। टॉप 50 में भारत से कौन शामिल है द रॉयल ऑल अल बयाद इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट में 2023 के पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी को दिया गया है। मदनी 2023 में ये पुरस्कार पाने वाले इकलौते शख्स है। उन्हें दुनिया भर के प्रभावशाली मुस्लिम हस्तियों की लिस्ट में 15वां स्थान मिला है। इस एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जमकर आलोचना की। इसमें भारत सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा लव जिहाद का भी जिक्र किया गया है। दुनिया में 500 सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुस्लिम हस्तियों की अब लिस्ट जारी हुई है। बता दें इस लिस्ट में भारत के कई सारे दिग्गज शामिल हैं। इस लिस्ट को जॉर्डन के द रॉयल ऑल वायज इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट ने जारी किया है। बता दें रेबिक नाम से मशहूर द रॉयल ऑल ऑफ वायज इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट एक इस्लामिक एनजीओ है। इसका मुख्यालय जॉर्डन की राजधानी अम्मान की है। बता दें द मुस्लिम 500 नाम की इस लिस्ट में सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को पहला स्थान मिला है। दूसरे नंबर पर है सऊदी के धूर विरोधी देश ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु आयतुल्ला अली खामेनेई की। बता दें बड़ी बात यह है कि इस सूची में तालिबान के हिजबुल्ला जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों को भी जगह दी गई है। इस लिस्ट में तीसरा स्थान कतर के शासक शेख तसीम बिन हमाद अल थानी को मिला है। चौथे नंबर पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप को मिला है। बता दें पांचवें नंबर पर जॉर्डन के हॉसमाई साम्राज्य के राजा यरूशलेम को पवित्र स्थलों के अभिरक्षक किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्र अल हुसैन को रखा गया है। छठवें स्थान पर इस्लामी विद्वान और देवबंदी नेता न्यायमूर्ति शेख मोहम्मद तकी उस्मानी पर उनका नाम शामिल है। सातवें नंबर पर है मोरक्को के राजा किंग मोहम्मद जो है वो, और आठवें नंबर पर है यूएई की राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नौवें नंबर पर बता दें आयतुल्ला सैयद अली हुसैन अल सिस्तानी के नाम पर है। दसवां स्थान दखल किया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को मिला है। टॉप 50 में भारत से कौन शामिल है द रॉयल ऑल अल बयाद इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट में 2023 के पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी को दिया गया है। मदनी 2023 में ये पुरस्कार पाने वाले इकलौते शख्स है। उन्हें दुनिया भर के प्रभावशाली मुस्लिम हस्तियों की लिस्ट में 15वां स्थान मिला है। इस एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जमकर आलोचना की। इसमें भारत सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा लव जिहाद का भी जिक्र किया गया है।